जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। मैं अब भी नहीं भूला हूं उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का क्या हाल हो गया। 2018 में, साल 2018, अप्रैल 2018 में उस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद। मगर आज उन्नाव गैंगरेप पीड़िता पूरी तरह से तबाह की जा चुकी है। आज मेरे जहन में कुछ सवाल हैं। शाहजहांपुर में जिस पीड़िता के चलते 14 दिन के लिए इस शख्स यानी चिन्मयानंद को हिरासत में भेजा गया है, कहीं उसका हश्र तो यही नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की एसआईटी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार के मामले को कमजोर कर रही है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पत्रकारों के सामने गलत बयानी की। कल जैसे ही यह मामला सामने आया जिसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीजीपी ओम प्रकाश ने क्या कहा। उन्होंने कहा, बलात्कार का मुकदमा ऐड कर दिया गया है। कैसा वाकई में है? अगर आप उसका बारीक अध्ययन करें तो यह बलात्कार का मामला नहीं है दोस्तों। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि वो धारा क्या कहती है। Misusing his position of authority to have sexual intercourse not amounting to rape, यानी कि हिंदी में अपने पद का दुरुपयोग करके आपने लड़की पर दबाव बनाया, उसके साथ संभोग यानी sexual intercourse किया, मगर हम इसे बलात्कार नहीं मान सकते। कौन से दो क्लॉजेस लगाए गए हैं दोस्तों, उस पर आप गौर कीजिए। सबसे पहले ये वाला क्लॉज जिसे कहते हैं 354D, जो कि स्टॉकिंग के मामले में अगर आप लड़की का जगह जगह पीछा कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, सेक्शन 354D स्टॉकिंग। और दूसरा, और यह बहुत अहम है, सेक्शन 376C। इसी सेक्शन 376C में अपने पद का दुरुपयोग करके संभोग किया, जिसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, इसका प्रावधान है। दोस्तों एक तरफ तो एसआईटी कह रही है कि चिन्मयानंद ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इतने दिनों तक वो हाथ में नहीं आया, और उसके बाद वो सेक्शन 376 लगा देती है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह गलत बयानी करते हैं। झूठ असंसदीय शब्द है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओपी सिंह ने झूठ कहा, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि गलत बयानी आपने क्यों की। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल कौन सी धारा लगानी चाहिए थी एसआईटी को। धारा लगाई जानी चाहिए थी 376-2, जी हां, 376-2, जिसमें एग्रीवेटेड रेप का प्रावधान होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 376-2 है, इसके तीन और पहलू हैं। सब क्लॉज एफ क्या है? सब क्लॉज एफ में दोस्तों, ताकतवर ओहदे वाली स्थिति में बलात्कार करने वाला शख्स, यानी कि रेप बाय अ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी। सब क्लॉज के, यानी कि जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, जो 376-2 जिसे लगाना चाहिए था एसआईटी को, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब उसका दूसरा एक सब क्लॉज है जो कि सब क्लॉज के है, एक ऐसे शख्स द्वारा बलात्कार जो महिला के ऊपर नियंत्रण रखता हो। आपको याद होगा दोस्तों, वो वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। इसके अलावा उस पिता ने 43 क्लिप्स दिए हैं एसआईटी को, ये भी साबित कर रहे हैं कि इस शख्स का पूरा नियंत्रण था पीड़िता के ऊपर, चिन्मयानंद का पूरा नियंत्रण था। और सब क्लॉज एन, आखिरी सब क्लॉज है ये, निरंतर बलात्कार, लगातार बलात्कार, यानी रिपीटेड रेप। दोस्तों जो धारा इन्होंने लगाई है ना 376C, इससे आपने मामले को कमजोर कर दिया है। अब यह मामला रेप का है ही नहीं। चिन्मयानंद को कल को सजा मिलेगी तो बलात्कार की सजा नहीं मिलेगी, अगर हम इन धाराओं की बात करें। और मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर यह मामला
376(2) जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया, उसके अंतर्गत अगर यह मामला दर्ज होता तो क्या आप जानते हैं कि चिन्मयानंद को कितने साल की सजा होती? तब चिन्मयानंद को 10 साल की सजा होती और यह बढ़कर उम्र कैद भी हो सकती थी। मगर अब पुलिस ने जिस धारा के तहत, सेक्शन 376 के तहत जो मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है, इसमें सिर्फ 5 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, आप जानते हैं इस मामले में क्या हुआ है? अगर इस मामले में अदालतों का दखल ना होता ना, तो यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया क्या कर रहा था। मुख्य धारा की मीडिया दिग्विजय सिंह के वाहियात बयान के लिए, जिसमें उन्होंने यह कह दिया था कि साहब भगवाधारी बलात्कार क्यों कर रहे हैं या मंदिरों में क्यों बलात्कार हो रहे हैं, वो निहायत ही वाहियात बयान था। मगर यह फैसला आपको करना है, मीडिया को करना है कि आप एक वाहियात बयान पर डिबेट करेंगे या चिन्मयानंद की ज्यादतियों पर डिबेट करेंगे। उस पर तो आप खामोश रहे, और जब आपको फरमान आ गया कि हां साहब इस पर कुछ कीजिए, तब आपने जिसे कहने भरपाई के लिए एक छोटा मोटा कार्यक्रम कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोर्ट्स का दखल ना होता, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दखल ना होता, अगर न्यूज क्लिक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दखल ना होता है, तो यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। नंबर एक, मैं आपको बताना चाहता हूं यह पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है और SIT को 23 तारीख को रिपोर्ट देनी है। नंबर दो, 23 सितंबर को रिपोर्ट देनी है। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के अंतर्गत ही इस मामले पर SIT का गठन हुआ है। दोस्तों, SIT का भी गठन योगी सरकार नहीं करती अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल ना दिया होता। सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते ही आज की तारीख में इस पीड़िता को सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का डर था कि उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के परिवार के साथ क्या हुआ, और वो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर एक, क्या योगी सरकार नारी सुरक्षा पर गंभीर है? सवाल नंबर दो, आखिर योगी सरकार ने उन्नाव गैंग रेप मामले या फिर कुलदीप सिंह सेंगर मामले से कुछ सीख क्यों नहीं ली? सवाल नंबर तीन, और यह मेरा लखनऊ के सभ्य समाज से सवाल है, लखनऊ के पत्रकारों से सवाल है, उन लोगों से सवाल है जो अपनी प्रतिभा का मुजाहिरा, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बीजेपी के कार्यक्रमों में करते हैं नाच और गाकर। आप लोग कठुआ पर भी खामोश रहते हैं जब गैंगरेप होता है, उन्नाव गैंगरेप पर भी खामोश रहते हैं, आप चिन्मयानंद पर भी खामोश रहते हैं, मगर मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बलात्कार होता है तब आप उस बलात्कार का मुद्दा उठाते हैं, जबकि उस मामले में बलात्कारी के पक्ष में कोई नहीं उतरा था, कोई नहीं उतरा था। बलात्कारी मुसलमान था, कोई भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति उसके पक्ष में नहीं उतरा था। मगर इस मामले में क्या हो रहा है? चिन्मयानंद के मामले में लगातार मामले को कमजोर किया जा रहा है। नंबर दो, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्या हुआ था? पॉक्सो का मामला दर्ज हो गया था मगर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस खामोश थी। उन्नाव गैंग रेप पर आपकी खामोशी का नतीजा यह हुआ कि उस लड़की का पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, बस वो बची है जो संघर्ष कर रही है और उनकी मां शायद बची है, पूरा परिवार मर गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक ललिता कुमारी जजमेंट है, और यह ललिता कुमारी जजमेंट क्या कहता है, क्योंकि अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की SIT ने बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया है बावजूद इसके कि पीड़िता शिकायत कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। और यह जजमेंट क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी जजमेंट कहता है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को बलात्कार जैसे कॉग्निजेबल मामले के में शिकायत दर्ज की गई है, तो उन्हें FIR उन्हीं धाराओं में दर्ज करनी चाहिए। चूंकि लड़की ने साफ तौर पर बलात्कार की बात कही है, तो उसे FIR में शामिल किया जाना चाहिए था। अब मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई जो आरोपी है उसके लिए कहां से संरक्षण है? मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी संरक्षण है, क्योंकि आप आरोप पत्र दाखिल करते समय और कानूनी कार्रवाई यानी कि जब अदालती कार्रवाई चल रही है तब आप मामले को डाइल्यूट कर सकते हैं, तब आप मामले को 376(2) से
376C में ले जा सकते हैं, उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो प्रावधान है इसे कमजोर करने का, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसे साक्ष्य भर कर आते हैं कि पीड़िता ने गलत बयानी की या गलत तस्वीर पेश की, तब आप इसे कानूनी कार्रवाई के दौरान या आरोप पत्र दाखिल करते करने के वक्त इसे आप कमजोर कर सकते हैं। मगर आपने इसी वक्त इसे कमजोर किया, इससे आपकी नियत पर सवाल खड़े होते हैं, और खासकर एक ऐसे राज्य की नियत पर सवाल उठते हैं, एक ऐसी सरकार की नियत पर सवाल उठते हैं जिसने कुलदीप सिंह सेंगर जैसा मामला देखा था। उस मामले में क्या हुआ था दोस्तों? तीन चीजें हुई थी। पहला, एक माइनर का रेप। दूसरा, पुलिस हिरासत में उसके पिता की मौत, यह तस्वीर याद है आपको। तीसरा, उसके पिता पर आर्म्स एक्ट लगा दिया गया था स्थानीय पुलिस द्वारा। और इस मामले में भी क्या हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर 13 अप्रैल 2018 को दखल ना दिया होता तो शायद यह मामला यहां तक ना पहुंचता, कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला। तभी तो मैं कह रहा हूं, नारी सुरक्षा के ऊपर आखिर योगी सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज किया गया था, मगर 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ओपी सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर को माननीय विधायक बताया था। पुलिस के जहन में इस कदर डर है, इस तरह से पुलिस नतमस्तक है, और लखनऊ की सिविलाइज सोसाइटी, यह आपके मुंह पर करारा तमाचा है। आप अपने घरों में बैठकर लखनऊ की संस्कृति को लेकर, लखनऊ की महानता को लेकर बखान करते रहिए करते रहिए, मगर चाहे कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हो या फिर शाहजहांपुर रेप मामला, ये आपको आईना दिखा रहा है। आप अंदर से कितने खोखले हैं, आपके किस तरह से दोहरे मापदंड हैं, ये आपको आईना दिखा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को आईना दिखा रहा है, और आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल, बोल के लब आजाद है मैं बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।